सरकार ही करा रही है ये काम, पेपर लीक का काम यही लोग करा रहे हैं जो आपको रोजगार नहीं देना चाहते। भाई नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है। हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होता है। किसान के खिलाफ अन्याय होता है, छोटे दुकानदार के खिलाफ अन्याय होता है, युवाओं के खिलाफ अन्याय होता है, सड़कों पे माताओं बहनों के खिलाफ अन्याय होता है। हिंसा का कारण, नफरत का कारण अन्याय है। और रोजगार पैदा हो ही नहीं सकता। चाइना का माल यहाँ आ रहा है, ये मोबाइल फोन जो है ये चाइना का है, ये चाइना का माल यहाँ आ रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति इसको यहाँ बेच रहे हैं, आप लोग खरीद रहे हो, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। दूसरे भाई को मारता है तो परिवार मजबूत होता है, कमजोर होता है, कमजोर होता है। तो अगर देश को कोई कमजोर करता है तो देशभक्त का काम क्या होता है? देश को बचाना, नफरत को मिटाना, डर को मिटाना, हिंसा को मिटाना, यही लक्ष्य भारत जोड़ो यात्रा का था। जो नफरत समाज में फैलाई जा रही है उसके सामने यात्रा ने 4000 किलोमीटर, और सिर्फ मैं नहीं चला भाइयों और बहनों, लाखों लोग चले हैं। मीडिया में पूरा ब्लैकआउट कर दिया था, जैसे इस यात्रा को पूरा ब्लैकआउट कर दिया है, मगर देश के दिल के अंदर, आत्मा के अंदर, डीएनए के अंदर यात्रा का मैसेज गया, मोहब्बत का मैसेज गया, नफरत के खिलाफ मैसेज गया, और इससे देश मजबूत हुआ। देश में नफरत फैल रही है और मैंने पूछा क्यों फैल रही है, इसका कारण क्या है, और मैंने ये सवाल हजारों लोगों से पूछा होगा। भाई नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, इसका कारण क्या है? वोट बैंक नहीं है ये, और हिंदुस्तान की जनता ने ये मुझे बताया, किसानों ने, मजदूरों ने। राहुल जी, हिंसा और नफरत का कारण अन्याय है। हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होता है। किसान के खिलाफ अन्याय होता है, छोटे दुकानदार के खिलाफ अन्याय होता है, युवाओं के खिलाफ अन्याय होता है, सड़कों पे माताओं बहनों के खिलाफ अन्याय होता है। हिंसा का कारण, नफरत का कारण अन्याय है। इसीलिए हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शब्द जोड़ दिया, क्योंकि अब ये दूसरी यात्रा भारत को जोड़ने का काम कर रही है, मगर ये दूसरी यात्रा अन्याय के खिलाफ लड़ रही है और न्याय को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रही है। आजकल क्या हो रहा है, चाइना का माल यहाँ आ रहा है, ये मोबाइल फोन जो है ये चाइना का है, ये चाइना का माल यहाँ आ रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति इसको यहाँ बेच रहे हैं, आप लोग खरीद रहे हो, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। ये मोबाइल फोन दो मुझे एक, ये देखो, ये है मेड इन चाइना। मैं चाहता हूं इससे चाइना के युवाओं को फायदा होता है और इससे अदानी जैसे अरबपतियों को फायदा होता है, चाइना का माल यहाँ बेचते हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले कि हिंदुस्तान के युवा इस फोन को हिंदुस्तान में बनाएं, और एक दिन ऐसा है, प्रियंका माइक पकड़ो, एक दिन ऐसा है कि मैं यहां अलीगढ़ आऊं 10 साल बाद 6 साल बाद और इसके फोन के पीछे देखूं लिखा हो मेड इन अलीगढ़, और फिर यहां आऊं और यहां पे 10 युवाओं को कहूं यार बेटा इधर आओ, वो ऊपर आए, मैं कहूं क्या करते हो, भैया हम मोबाइल टेलीफोन अलीगढ़ में बनाते हैं, मेड इन अलीगढ़ लिखते हैं, वहां पे चाइना का युवा हमारा फोन का इस्तेमाल करता है। ये होना चाहिए हिंदुस्तान में, और ये हम सब मिलकर 90% लोग ये सब मिलकर काम करने जा रहे हैं। एग्जाम के बाद आप जानते हो ये नया धंधा चला है, आपसे एग्जाम कराते हैं, आप पढ़ाई करते हो,
आप अपना पैसा निकाल के प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ट्यूशन सेंटर में डालते हो, उसके बाद सुबह उठते हो, एग्जाम करने जाते हो, वहां पे एग्जाम में आपको किसी और का मोबाइल फोन दिखता है, उस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाई दे जाता है। ये इसका लक्ष्य क्या है कि ये जो रोजगार मांग रहे हैं, सरकारी जॉब मांग रहे हैं, इनका टाइम जाया करो, इनका बेवकूफ बनाओ। भाई और बहनों, ये काम सरकार ही करा रही है, ये काम पेपर लीक का काम यही लोग करा रहे हैं जो आपको रोजगार नहीं देना चाहते हैं। ये सच्चाई है भाई और बहनों, ये शर्म की बात है। लाखों लोग हिंदुस्तान में आर्मी में जाकर देश सेवा करते थे, उनको इज्जत मिलती थी, उनको पेंशन मिलती थी, उनको कैंटीन मिलती थी और उनको शहीद का दर्जा मिलता था। अब बीजेपी ने यह छीन लिया। 4 में से 3 युवाओं को वो वापस भेजेंगे और आप देख लेना, लिख के ले लो, वो जो वापस आएंगे ना, वो सारे के सारे जो अग्निवीर निकाले जाएंगे, वो सारे के सारे गरीब होंगे, उनमें से एक अमीर बंदा नहीं निकाला जाएगा। और रोजगार पैदा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अदानी जी को पूरा का पूरा दे दिया और ये जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, हैंडीक्राफ्ट के लोग हैं, ब्रास वाले लोग हैं, ये जो लोग हैं, इनको बर्बाद कर दिया। जीएसटी से, नोटबंदी से इनको खत्म कर दिया।